नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण न्यूज चैनल। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 संबंधी हालात बेहतर होने के बाद दिल्ली मेट्रो की सेवा सोमवार को करीब 3 हफ्ते के अंतराल के बाद बहाल की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि मेट्रो में क्षमता से 50% यात्री ही बैठ सकेंगे तथा खड़े रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। आज सुबह 6 बजे आरंभ हुई मेट्रो, केवल आधी ट्रेनों का ही होगा संचालन। हर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मिलेगी मेट्रो। 50% यात्री ही बैठ सकेंगे मेट्रो में। मेट्रो स्टेशन में प्रवेश से पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। एक सीट छोड़कर बैठना होगा अनिवार्य। कोविड 19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते दिल्ली मेट्रो रेल निगम की सेवाएं 20 मई को पूरी तरह से निलंबित कर दी गई थी। कोरोना वायरस के फैलने के मद्देनजर दिल्ली में 19 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था और उसके बाद दिल्ली सरकार इसकी अवधि बढ़ाती गई। अप्रैल को लॉकडाउन तक लगाया गया था। शुरुआत में तो मेट्रो सेवा आंशिक तौर पर जारी रही, जिसमें केवल आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को ही यात्रा करने की इजाज़त थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे 10 मई को बंद कर दिया गया था। सोमवार को मेट्रो ट्रेन का परिचालन अपने निर्धारित समय सुबह 6 बजे से आरंभ हो गया। DMRC के एक अधिकारी ने रविवार को कहा था कि मेट्रो की विभिन्न लाइनों पर केवल आधी ट्रेनों का ही संचालन किया जाएगा और हर 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिला करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा करते हुए कहा था कि 7 जून से दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी तथा बाजार और मॉल सम विषम आधार पर खुलेंगे। केजरीवाल द्वारा लॉकडाउन के नियमों में ढील देने की घोषणा के बाद DMRC ने एक वक्तव्य में कहा था, सामाजिक दूरी और ट्रेनों के भीतर 50% यात्रियों का सफर सुनिश्चित करने के वास्ते लोगों को अपने दैनिक आवागमन के लिए अतिरिक्त समय लेने और स्टेशनों के बाहर प्रवेश के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते समय भी कोविड उपयुक्त व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। चैनल के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण।